बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम अहबाब को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक अहम वाक़े के हवाले से। आपको याद होगा कि 20/1/22 की रात को एक वाक़या हुआ था, 2:30 बजे के करीब। हमारे जो कौमी हीरो हैं नसीम विक्की साहब और आगा माजिद थे, जो कि अपनी गाड़ी में लाहौर की तरफ जा रहे थे, तो सेक्रेड हाई स्कूल के करीब जो है उन पे फायरिंग का एक वकूआ हुआ था। उस वकूए से काफ़ी खौफ व हरास फैल गया, जो है तरह तरह की बातें होने लगीं कि फैसलाबाद जो है वो एक गैर महफूज शहर रह गया है एक्टर्स के लिए, यहाँ पे आके कोई थिएटर नहीं कर सकता, और इस तरह के बहुत सारे जो हैं सवाल वो उठाए जाने लगे। और फिर अगले दिन CPO साहब मुबशर मेकन साहब ने और साथ नसीम विक्की ने ख़ुद जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, और उन्होंने यही कहा था कि जी मुझे नहीं पता ये किसने किया है, मैं उनको नहीं जानता, और ना ही कोई ऐसा उन्होंने वकूआ बताया कि जिससे वो रिलेट कर सकें कि ये वाक़या क्यों हुआ। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। उस वक़्त हमने जो है ये तहिया किया था कि हम इन मुलजमान को पकड़ेंगे भी, और जो है ना ये साबित करेंगे कि फैसलाबाद पुलिस जो है वो किसी से कम नहीं है, और फैसलाबाद शहर जो है वो बिल्कुल महफूज जगह है। उस पे जो है बाद में टीमें तश्कील दी गई, SP लैलपुर टाउन ने, DSP साहबान, SHOs तमाम इन्वॉल्व हुए जो लैलपुर डिवीज़न के हैं इस वकूए को ट्रेस करने के लिए। साथ में जो है हमारी जो CDU टीम है वो इसमें हुई इन्वॉल्व। उसमें हमने जो काम किया वहाँ से CCTV फुटेज हमने उठाया रात के वक्त, उसमें जो है क्लियर देखा जा सकता था कि मोटरसाइकिल पे दो बंदे जो है वो उस कार को फॉलो कर रहे थे। वहाँ से एक हमें लीड मिली, फिर साथ में हमने उसकी फिर जियो फेंसिंग करवाई। जियो फेंसिंग करवाई तो उसमें जो है चंद नंबर्स हमारे सामने आए जिनके ऊपर हमने फिर वर्किंग की। वर्किंग करके जो है हमने कुछ 10 से करीब जो है डिफरेंट जगहों पर रेड्स किए, और उसमें जो बंदे मतलब पहले उसमें 7 दफ़ा जो है मैं आपको बता दूं कि वो मतलब ऐसा हुआ कि एग्जैक्ट हमें सिर्फ वो लीड के ऊपर काम करते करते हम लास्टली जो है जो मेन मुलजमान है उन तक पहुंच गए। ये आपके सामने है, मैं आपको बता दूं इसमें एक शुएब है और एक जुनेद, दोनों दोस्त हैं, और जुनेद शुएब हसन वल मलिक शेर जमान है और जुनेद गौस वल मोहम्मद अतीक है। ये दोनों फैसलाबाद के ही रहायशी हैं, और इनको फिर जो है हमने जब उठाया तो इन्होंने इस वकूए को तस्लीम किया। आपको याद होगा कि बड़ा क्लोज इस्केप था, वो गाड़ी के ऊपर इस तरह से फायर थे, उसका टायर बर्स्ट हो गया, ड्राइवर साइड की तरफ से फायर और पीछे डिग्गी में फायर लगना, तो मतलब ये एक बहुत अहम वकूआ था। इन्होंने खुद ये सारा तस्लीम किया, और इसमें इन्होंने टोटल 6 फायर जो हैं वो किए हैं इसमें, और मेनली जो है शुएब है जिसने ये फायर किए थे। तो इसको फिर हमने उठाया, इसने ये चीज़ जो है वो तस्लीम की। तो इस पे जो है मतलब मैं सिर्फ आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा जो वजहानात इसमें जो बनी वो यही थी कि उससे 10 दिन पहले ये दोनों जाते हैं, चांद दिन के साथ दोस्त थे वहाँ पे थिएटर में, और ये चाहते हैं कि जी हमें हमसे टिकट ना ली जाए, फ्री में वहाँ में बिठाया जाए, जिस पे जो है नसीम विक्की के बेटे से इनकी जो है वो तकरार होती है, और उसी का जो है इसने मतलब एक वकूआ जो है उसकी पदाश में जो है ये सरज़द होता है, यानी कि इसने अपना गुस्सा निकालने के लिए ये करने की कोशिश की। और मेन एम यही था कि उनको खौफ व हरास इनमें करके या तो ये थिएटर को जो है ये छोड़ा जाए, या जो इस तरह से फ्री आते हैं उनको इंटरटेन किया जाए। तो आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से अंदर अंदर के टाइम में हमने इनको अरेस्ट किया है, जो कि बिल्कुल अननोन मुलजमान थे। और एक मैसेज है, ये तमाम हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे, ख़ास तौर पे जो फनकार हजरात हैं हमारे हीरोज़ हैं वो, और पंजाब पुलिस की तरफ से, फैसलाबाद पुलिस की तरफ से ये वाज़ह पैगाम है कि किसी किस्म की भी गुंडागर्दी वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे अनासिर जो हैं इनको बिल्कुल जो है किसी सूरत में भी नहीं छोड़ा जाएगा, और मैं ये आपके तवस्सुल से ये पैगाम दूंगा कि तमाम के तमाम जो हैं वो अपना खुलेआम यहाँ पे फिर सकते हैं किसी भी खौफ व हरास के बग़ैर, और फैसलाबाद एक पुरअमन शहर है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको पुरअमन बनाएंगे। और अगर ऐसे कुछ अनासिर यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी मेरा वाज़ह पैगाम है कि वो जो है अपनी इन हरकतों से बाज रहें, अदरवाइज़ जो है उनका भी यही अंजाम होगा।
बहुत शुक्रिया आप तमाम का। इसमें से एक यही जिसने फायर किए हैं, इसके ऊपर पहले दो पर्चे भी हैं, बट वो ज़रा डिफरेंट नेचर के हैं। इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें हमारे साथ 440 भी लगा और 324 भी लगा हुआ है, मतलब हमारे दो साथ ये सेक्शंस लगे हुए हैं, और 324 जो है वो नॉन अवेलेबल है, और उसके अलावा भी बाकी मज़ीद तफ़ीस जैसे ही इसमें होगी तो इसमें हम मज़ीद इस चीज़ को भी देखें। जी बिल्कुल, अगर आप इसके एक पॉइंट आपने हाईलाइट भी किया है और थोड़ा बहुत हमारे उसमें नॉलेज में भी है, तो मैं बिल्कुल, अगर इस तरह के अनासर हैं उन पर भी हम वर्किंग करेंगे, और जितने भी ऐसे FIR हैं उनको हम इंशाल्लाह तकमील उनकी करेंगे, जो भी इन्वॉल्व है मैंने आपको कहा, बिल्कुल भी हम जहाँ पे इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि फैसलाबाद को हम पूरा अमन शहर बनाएं। अभी तक ये है कि सिर्फ लड़ाई का ही मामला था, थिएटर के हवाले से नहीं है ये, क्योंकि उनका आपस में सिर्फ वहाँ बंदे बिठाने के हवाले से था, तो और बाकी फ़िलहाल नहीं है। अगर कोई ऐसी होगी तो मज़ीद तफ्तीश में ये चीज़ भी सामने नहीं, भत्ते के अभी तक इस तरह का एलिमेंट नहीं है, अभी तक सिर्फ यही है कि फ्री ये चार दोस्त थे इसके साथ जिसको ये बिठाना चाह रहा था, जिस पे उन्होंने एतराज़ किया तो इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पे, और बाद में बस उसका गुस्सा निकालने के लिए ये जो है ना ये। इसमें मैं आपको बताऊं कि हम ऑलरेडी हमारी टीमें इसके ऊपर काम भी कर रही हैं, और इंशाल्लाह इन इन वाकयात में से बहुत जल्द आपको एक वाक्य के बारे में हम बताएंगे भी, मुजमान तक हम उसमें पहुंच चुके हैं, जो इनका वाक्य है उसमें हम जो भी लीड सामने आ रही है, इस वक्त तक पाँच जो लीड्स आई थी उन पर हमने काम किया है, और मतलब उनके लिंक्स हैं, जारी है इस पर काम, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बॉस जल्द पकड़े जाएं, और जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे हम खुद भी जो है चैन से नहीं बैठेंगे।